जायसवाल आरबीएस सच की आवाज से दिन भर की कुछ नई खबरें लेकर फिर हाजिर हूँ। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार है। नगर निगम ने वार्ड 59 के पार्षद पुरुषोत्तम भार्गव का नापा मकान। विरोध में कांग्रेस पार्षदों के साथ श्री भार्गव ने महापौर को सौंपा ज्ञापन। पुराने कलेक्ट्रेट में अभिभाषक संघ के पद अधिकारियों का चुनाव संपन्न। पिछले दो दिन से जारी हड़ताल से किसे क्या फायदा मिला, ये हड़ताल में शामिल संगठन ही जाने, लेकिन हड़ताल समाप्त होने पर शहर फिर से गतिमान हो गया। पटना विद्यालय से विभिन्न परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा सामग्री का वितरण जारी। मेले के अंतिम चरणों में बिक्री की आस लिए अभी भी डटे हैं व्यापारी। सिंधे की छावनी पोस्ट ऑफिस में खराब मशीनरी के कारण आम आदमी हो रहा है परेशान। फाइन आर्ट कॉलेज में लगी प्रदर्शनी में प्रदर्शित पेंटिंग व स्कल्पचर बने कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र। केआरजी कॉलेज में क्रीड़ा समिति की देखरेख में खेलों का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के अफसरों से वार्ड 59 के पार्षद पुरुषोत्तम भार्गव के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। इसका असर गत दिवस देखने को मिला, जब पार्षद को मकान की नपाई नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा की गई। इस नपाई के विरोध में सभी कांग्रेसी पार्षद एकजुट नजर आए। उन्होंने एकजुट होकर आज महापौर समीक्षा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा व मांग की कि इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर वे कार्रवाई करें। पुराने कलेक्टर परिसर में शुक्रवार को बार एसोसिएशन के वकीलों द्वारा अध्यक्ष व सचिव आदि सहित विभिन्न पदों के लिए चुनाव संपन्न हुए। चुनावों के दौरान एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार अपने अपने प्रत्याशी के लिए मतदान किया। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसके परिणाम देर रात्रि तक आने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला आवासन संघ जिला हूँ ग्वालियर, यहाँ की कार्यकारिणी बनाई जाती है, अध्यक्ष सचिव सेक्रेटरी है सबके। चुनाव में समथिंग 33-34 जितनी बार हैंड रखो कार्यकारिणी मिला के साल होते हैं नहीं दो साल के लिए कार्यकारिणी। इसमें कितने उम्मीदवार होते हैं? इसमें जो खड़े हो जाते हैं कोई संख्या नहीं है, किसी में 3 है, किसी में 2 पोस्ट पे ऐसे कार्यकारिणी 12 है जी। चुनाव उसका रिजल्ट कब निकलता है? भाई शाम को 5 बजे। शाम को आज शाम को 5 बजे शाम को 5 बजे तक वोटिंग है। चुनाव कमेटी में सदस्य हूँ और चुनाव प्रक्रिया हमारी सुबह 11 से 5 तक चलेगी। 5 बजे बाद काउंटिंग होके 8 बजे तक परिणाम घोषित। पिछले दो दिन से चल रही हड़ताल के समाप्त होने के बाद शहर व बाजार के हालात शुक्रवार को सामान्य हो गए। हड़ताल की समाप्ति के बाद शहर की सड़कों पर ऑटो टेम्पो के उतर आने के बाद वही पुराने हालात नजर आने लगे। हड़ताल के बाद खुले बाजारों जहाँ देखो वहाँ भीड़ भाड़ व सड़कों पर जाम नजर आ रहे थे, लेकिन यह सब तो मानो शहरवासियों की दिनचर्या का हिस्सा है, अतः सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगा है। पटना विद्यालय में ग्वालियर चंबल संभाग में मार्च माह में आयोजित होने वाली हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा सामग्री का वितरण आरंभ हो गया है। परीक्षा सामग्री के रूप में कॉपी पेपर आदि को लेकर विभिन्न विद्यालयों के जिम्मेदार शिक्षक व प्रयासों द्वारा पूरी सुरक्षा के साथ ले जाकर अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में जमा करवाया जाएगा और उस सामग्री को उक्त परीक्षा दिनांक वाले दिन ही थाने से उठाई जाएगी। Yeah.
गाड़ी आई रखो सब तो सभी परीक्षा केंद्र जहाँ जहाँ मनाए गए हैं शासन परिषद यहाँ चंबल संभाग का कमल ये अभी कल हो रहे हैं ग्रामीण शहर। मेले का समापन हो चुका है, अब मेला दुकानों से निकलकर सड़कों पर यानी कि फुटपाथ पर आ गया है, जिसे कि गरीबों का मेला भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले दुकानदार भी इसी अवसर के इंतजार में रहते हैं। दूर दूर से आने वाले छोटे छोटे दुकानदार इसी अवसर के इंतजार में पूरे महीने का से इंतजार करते हैं, क्योंकि असली खरीदारी तो उन्हें इन दिनों में होती है। शहर के लोग भी मेले में अब सिर्फ खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। सिंधी की छावनी पोस्ट ऑफिस में यदि आप रजिस्ट्री या बिजली आदि का बिल जमा कराने जा रहे हैं तो जरा सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रसीद प्राप्त करने के लिए होना पड़ सकता है परेशान। सिंधी की छावनी पोस्ट ऑफिस के कंप्यूटर का प्रिंटर कभी भी हैंग हो जाते हैं, इस वजह से ग्राहकों का रसीद आदि प्राप्त करने में काफी कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इस खराब व कंडम मशीनरी के बारे में जब स्टाफ से बात की गई तो उसने बताया, कंप्लेंट किए हुए ये तो ऊपर से फंड आता है, उसके बाद इसकी व्यवस्था होती है, वहाँ से जैसे ही फंड आएगा उसके बाद काउंटर बन जाएगा। स्टाफ के आगे स्टाफ तो जैसी व्यवस्था है विभागीय उसके अंदर काम कर रहा है। आपने इस बारे में कुछ सोचा नहीं सर? नहीं, इसके बारे में विभागीय अधिकारियों को लिखा है, उन्होंने समय समय पर विजिट किया है, देखा है इसको, तो अभी तक जैसे कोई बात है। इसके बारे में फंड आएगा तो फंड आने के बाद इसकी व्यवस्था जारी होगी। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं हुआ, पहले से सुधार हुआ, काउंटर वगैरह पहले से ठीक हुए, लाइट वगैरह की व्यवस्था हुई है और काउंटर प्रारंभ होने के बाद सही व्यवस्था जारी हो पाएगी, जिससे कि जनता को अच्छी सुविधा हम दे पाए। समस्याएं हैं डाकघर की, उसके बारे में उच्च अधिकारियों को लिखा गया है और जैसे ही निकट भविष्य में फंड प्राप्त होगा ये समस्याएं यहाँ की दूर हो जाएगी। तो आपके विभाग के लोगों को जो यहाँ पर समस्याएं पेश करते हैं उसके बारे में? जो समस्याएं, एक तो जनता के लिए समस्या है कि उसको खड़े होने के लिए उचित स्थान नहीं है, बैठने के लिए स्थान हम नहीं दे पा रहे हैं स्थान अभाव के कारण, और जैसे ही हमारे काउंटर मुख्य द्वार पर प्रारंभ हो जाएंगे उसके बाद सही व्यवस्था जनता को मुहैया करा पाएंगे, स्टाफ को इसमें कार्य करने में सुविधा होगी। तो आप इस बारे में आप आगे जिक्र क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए उच्च अधिकारी को लिखा दिया चुका है, समय समय पर उनके द्वारा विजिट किया गया है और इस बारे में कार्यवाही निरंतर जारी है। मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस विषय में? नहीं, कार्य हो रहा है, पहले से काफी सुधार है, लग तो है नहीं रहा है कि कार्य वो तो जब तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुआ काउंटर नहीं बनेंगे तब तक ये समस्या। आपके लोगों का कहना है कि यहाँ पे मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही ऊपर? नहीं नहीं, उच्चाधिकारी बराबर इस ऊपर ध्यान रख रहे हैं और केवल फंड की प्रॉब्लम है, फंड आएगा तो व्यवस्था। फाइन आर्ट कॉलेज के हाल में छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई पेपर पेंटिंग आदि की विभिन्न कला कृतियां लोगों को न सिर्फ आकर्षित कर रही हैं बल्कि वे समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दे रही हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की समस्या व हमारे यातायात को दर्शाती टेम्पो की आकृति है जो समाज को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी प्रकार की अनेक संदेश देने वाली कला कृतियां इस प्रदर्शनी में शामिल है। Thank you.
महाविद्यालय में इंटर हाउस वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभ आरंभ डॉक्टर अनुप मोगे, डॉक्टर संतोष यादव, डॉक्टर के वेद महाविद्यालय की प्राचार्य अर्चना भारद्वाज की देखरेख में हुआ। मैं स्वागत करता हूं हमारे क्रीड़ा समिति के संयोजक डॉक्टर के वैद्य जी का, जो से आप लोग ताली बजाकर हमारे क्रीड़ा समिति के संयोजक जी से अनुरोध करूंगा कि अब मैं हमारे उनकी ओर से मैं चाहूंगा कि ब्रजबाला मिश्रा डॉक्टर के वैद्य जी का स्वागत करें। भी गेम हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उनके अंदर जो भी ओनर है वो अपना बाहर निकाल सके, और इसके द्वारा जो बच्चियां अच्छी होंगी उनका गेम अच्छा होगा, उसको अगले साल के लिए उन्हें मौका अच्छी की बात है। वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिताएं हैं, ये भी एक बहुत अच्छी विधा है ताकि हॉस्टल की 5-7-10 छात्राएं बहुत अच्छा परफॉर्म कोई कार्यक्रम चलता रहे। इतना अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल है आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर हम आपको अपना हुनर दें और इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी आपको अव्वल रहना है। मैं जानता हूँ स्पोर्ट्स में जो छात्र छात्राएँ आगे रहते हैं वो जीवन में हमेशा आगे कर रहे हैं। चल रहा है बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये दूसरे दिन होंगे। तो कितने दिन का मैडम जी ये रखा गया अपना सीरीज? 28 तक है। 28 तक सीरीज रखा गया। इसमें मैडम जी आप बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? फैसिलिटीज क्या खेलेंगे बच्चे और क्या? अच्छा, तो पूरी कॉलेज मतलब जो ग्राउंड फैसिलिटीज है वो है ही हमारे यहाँ। तो सारे स्टूडेंट ये आपके कॉलेज कॉलेज के हैं? ठीक है मैडम। सर क्या नाम है सर अपना? मनोहर कटारिया, मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट केआरजी कॉलेज ग्वालियर में। सर ये अपना जो गेम चल रहा है इसमें सर ये बच्चों को कैसा क्या गेम चल रहा है? हमारे यहाँ इंटर हाउस प्रतियोगिताएँ चालू हो गई हैं आज से, और ये 22 तारीख से 28 तारीख तक चली जाएंगी चलेंगी। और इसका जो कराने का हमारा मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें, जिससे किसी भी छात्रा के अंदर बहुत सारे गेम होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन किसी भी छात्रा के अंदर किसी न किसी गेम का ओनर जरूर रहता है, और उनका वो ओनर बाहर निकले ताकि वो अभी इंटर हाउस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसके बाद वो इंटर और अच्छी होंगी तो इंटर कॉलेज में, फिर संभाग में, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी बाकी छात्राएं खेल रहे हैं उनकी तरह उनका भी गेम निखर के आए और वहाँ पर सहभाग कर सकें। सर इसमें जो कॉलेज की तरफ से सर आप लोगों को कोई फैसिलिटी दिया जा रहा है सर? हाँ, हमारे यहाँ कॉलेज की तरफ से पूरी, ये कॉलेज के ही गेम है, इंटर हाउस है, कॉलेज की तरफ से पूरी फैसिलिटी दी जाती है छात्राओं को। हमारे ये इसमें जो छात्राएं जीतेंगी उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उनको प्राइजेस भी दिए जाएंगे, हमारे जब स्पोर्ट्स डे होगा उस पर उनको दिया जाता है, उसमें इन लोगों को जिस तरह की भी सुविधा चाहिए बच्चों को पूरी मिलती है और सही बच्चों को खेलने का पूरा मौका मिलता है। तो सर आपका सर सहयोग में सहयोग कौन कौन से कर रहे हैं सर? हमारे पूरा स्टाफ हमारा सहयोग करता है, पूरा कॉलेज है, सब एक साथ रहते हैं और हर एक कोई से भी विधा होती है तो पूरा महाविद्यालय एक साथ खड़े होकर और काम करते हैं। सर ये खेल क्लासेस सर कब तक चलते रहेंगे सर?
ये अभी 28 तारीख तक है इंटर हाउस। वैसे हमारे यहाँ पूरे साल इसकी जो प्रैक्टिस चलती है पूरे साल चलती है। गर्मी में भी हमारे समर वेकेशन जो होते हैं उसमें भी हमारे यहाँ कैंप लगाया जाता है, कोचिंग कैंप लगाता है लगाते हैं, तो सभी बच्चे पूरे साल यहाँ पर खेलते हैं। सर इनको भी सर्टिफिकेट वगैरह इनाम वगैरह दिया जाएगा सर, वो पक्का रखा है सर अपने? ये अभी इसकी हमने डेट तय नहीं की है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में है, संभवतः हम 10-15 के आसपास मार्च में रखेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए हमें चीफ गेस्ट वगैरह भी करना है। तो सर ये आरबीएस सच की आवाज़ में सर आप कुछ और भी कुछ कहना चाहते हैं सर गेम के बारे में या स्पोर्ट के बारे में? आरबीएस सच की आवाज़ एक अभी नया चैनल यहाँ पे शुरू हुआ है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा कवरेज आप लोग कर रहे हैं। मैंने बात की थी इससे पहले भी, मैंने बधाई दी थी आरबीएस सच की आवाज़ के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से सच की आवाज़ पूरे शहर में, राज्य में और पूरे भारत में पहुँचे। थैंक यू सर। थैंक यू। बैडमिंटन आउट करे यार, क्या ना। संपत्ति कर वसूली के लिए 22 फरवरी को निम्बालकर की गोल नंबर 2 पर लगा सिविर। इसी क्रम में 23 फरवरी को वार्ड 50 के लिए स्काउट एंड गाइड के सामने बाड़े पर, 26 को वार्ड 48-51-53 पर प्रातः 10 बजे से हैदरगंज में कलारी के पास लगेगा। इन शिविर में इन क्षेत्रों के निवासी अपनी संपत्ति कर जमा करवा सकते हैं। आज की चलतियों में बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए मैं आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।